उज्जैन महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं को आसानी से बाबा महाकाल के दर्शन हो सके, मंदिर परिसर में दर्शनों के दौरान उचित व्यवस्था हो, इसी को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सतेंद्र कुमार शुक्ल ने मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। उज्जैन महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं को बाबा महाकालेश्वर के आसानी से दर्शन हो सके, इसलिए जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मंदिर क्षेत्र का दौरा किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं को लगभग 30 मिनट में बाबा महाकाल के दर्शन हो सकेंगे। दर्शनार्थियों को नरसिंह घाट मार्ग से प्रवेश दिया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं को ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, इसके लिए मिनी बस और टाटा मैजिक का सहारा लिया जाएगा। कर्कराज मंदिर के समीप वाहन पार्किंग रखी गई है व झालरिया मठ के पास जूता स्टैंड बनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित सभी मंदिरों पर प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। भक्त सीधे महाकाल के दर्शन कर निर्गम द्वार से बाहर हो जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि विस्तारीकरण कार्य के कारण महाकाल मंदिर के कई मार्ग बंद है। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और जैसा कि अभी महाकाल मंदिर परिसर विस्तारीकरण का काम चल रहा है, उसको लेके काफ़ी सारे हमारे जो रोड्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं, इसलिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है इस बार का महाशिवरात्रि में व्यवस्थाएं करना। लेकिन हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो गई है। नरसिंह घाट वाली जो रोड है, कर्कराज मंदिर के पास में पार्किंग हमारी 400-500 गाड़ियों की है, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करके झालरिया मठ के आसपास हम लोग जूता स्टैंड और दूसरी व्यवस्थाएं करेंगे, और उस बीच में लोगों को पैदल ना चलना पड़े इसके लिए बड़ी संख्या में मैजिक भी और मिनी बस वगैरह हम लोग रखेंगे, और वहाँ से लोग फिर जो है ऊपर चढ़ के मंदिर तक जाएंगे और मंदिर से फिर दर्शन करके वापस आएंगे। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी हालत में गाड़ी से उतर के लोगों को आधे घंटे 40 मिनट के अंदर जो है वो दर्शन हो जाए बिना किसी असुविधा के, और पूरी की पूरी टीम के साथ आज भ्रमण कर लिया गया, इसको निश्चित रूप से हम लोग कितने श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जाए? देखिए ऐसा कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो हमारे पिछले अनुभव बताते हैं कि कम से कम 1.5-2 लाख के आसपास श्रद्धालु जो है वो हमें लगता है निश्चित रूप से आएंगे। सर मंदिर के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? मंदिर के अंदर जो दूसरे परिसर के मंदिर हैं वो सारे के सारे बंद रहेंगे, और केवल बैरिकेडिंग के थ्रू ही जाना और उसके वहाँ से ही वापस आना। इसके अलावा जो गर्भगृह और नंदी हॉल है वो सारी चीज़ें भी जगहें भी प्रतिबंधित रहेंगी, केवल और केवल बैरिकेडिंग से दर्शन। सर VIP और पंडितों के लिए आने जाने की? देखिए पंडित पुजारी और उनका जो परंपरा है कि सामने के भाग से ही हम लोग उनको लेके आते हैं, वही व्यवस्था करेंगे। मीडिया के लिए भी वही व्यवस्था रखेंगे जो पिछली बार महाशिवरात्रि में थी। बाकी प्रोटोकॉल के लिए भी कुछ हम लोग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। विस्तारीकरण का काम चल रहा है, महाशिवरात्रि तक पूरे होने की बात कही गई थी, किस प्रकार से अभी कितना टाइम लगा? देखिए विस्तारीकरण का जो प्रथम फेज है जिसकी महाशिवरात्रि तक पूरे होने की बात करी गई थी, लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि पहले रुद्रसागर के ऊपर भी हम लोगों को अभी गंभीरता से काम करना है, पूरा सीवर सुखा के उसमें पानी भरना है, इसलिए थोड़ा मुझे लगता है कि क्या। कलेक्टर आशीष सिंह एवं SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने पुलिस एवं प्रशासनिक अमले के साथ हरसिद्धि से लेकर महाकालेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने हरसिद्धि मंदिर से लेकर महाकालेश्वर मंदिर तक दर्शन के लिए 3 लेन बनाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV।